आज के सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं FRI से, जो कि है घंटाघर से थोड़ा सा आगे। आज का सफ़र में हम आपको लेके जाने वाले हूँ चकराता की खूबसूरत वादियों में, और वहीं पे थोड़ा सा आगे है मोइला टॉप की, जो कि है बहुत फेमस। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम देहरादून से लगभग आ चुके हैं 40 से 45 किलोमीटर आगे। और तो मेरे ट्राईपोड टूट गया, ये अच्छा दिख रहा है ना, बट ये टूटा हुआ ट्राईपोड है। अब वीडियो अगर थोड़ा बहुत हिलेगा तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। से चकराता अभी 35 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं आगे। पहुंच चुके हैं हम आधे रास्ते में, बस चकरा तो थोड़ा सा ही दूर यहाँ पे है। और ये देखो चीड़ के पेड़ों का छोटे ये होते हैं, इसके जो चीड़ के फल होते हैं ना वो होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे, इनको छूते बोलते हैं। इनके बीच में ना बीज होते हैं छोटे छोटे, तो उनको ना आग में जला के खाए जाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। और जब ये खाली हो जाते तो इन पर कलर करके घर में हम सजाते थे पहले। बाकी शाम हो गई है, ठंड से हालत ख़राब हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल रात हमको बहुत देर हो गई थी, इसलिए हमको यहीं लोखंडी में रुकना पड़ा, क्योंकि मोइला टॉप इससे भी 5 किलोमीटर और आगे है। 3 किलोमीटर यहाँ से हमारी बाइक जा सकती है, और उससे आगे 2 किलोमीटर का हमें ट्रैक करना है। तो अभी सुबह के 9:30 बजे है, बहुत अच्छी धूप आई हुई, कल रात तो बहुत ठंड की वजह से जो हमने देखा मैंने फ़ोन में, तो जो लास्ट में यहाँ 10 बजे रात को जो टेम्परेचर था वो था 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारी हालत ख़राब हो गई थी ठंड की वजह से। लेकिन अभी का जो टेम्परेचर है वो अच्छा है, लगभग 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी का टेम्परेचर। और अभी हम मोइला टॉप पे भी हम थोड़ा नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और आज ही हमको वापस भी जाना है, तो हमें टाइम बिल्कुल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जब तक हमारा नाश्ता बन रहा है तब तक आप इंजॉय कीजिए ये पूरा सीन। तो हिमालय पर्वत दिखता है ऐसे, ये देखिए पूरा हिमालय पर्वत दिख रहा है, पूरा जो बर्फ से ढका हुआ है, हमेशा ढका रहता है, और पूरा इस टाइम क्लियर दिखाई दे रहा है क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ है। लोखंडे में छोटी शॉप है जहाँ पे आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, सामने वो जो रिजॉर्ट है उसमें आपको सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो मेरा दोस्त है। राइट हैंड साइड पर एक मिलेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमको राइट हैंड साइड पे लेना है जहाँ पे चकराता वन विभाग वाला बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हो पूरा गांव दिखाई दे रहा है। मैं देखा मेरा फ़ोन कैसे गिरा, इतना ज़्यादा कच्चा रास्ता है वहाँ पे कि मेरा फ़ोन भी गिर गया। मुझे डर लगी कि मेरा फ़ोन टूट जाएगा, इसलिए मैंने शूट नहीं किया, मैंने कैमरा हाथ में रख के साइड कर लिया। और अभी हम 3 किलोमीटर यहाँ पे 3 किलोमीटर आगे चल के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमने यहाँ से परमिशन ले लिया है, कुछ और लोग भी हमारे साथ है। बस ये हमारा रास्ता है, पूरा कच्चा रास्ता है, जिसमें हमें आगे जाना है लगभग 2 किलोमीटर के ट्रैक है। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हैं, तो रास्ते में और भी मज़ा आएगा। और कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कितना टाइम हमको लगेगा, रास्ता पूरा कच्चा है तो मज़ा आएगा ट्रैक करने में। तो चलिए शुरू करते हैं।
यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपको गर्म कपड़े, जो आपको आराम दिलाएंगे, और शूज़, शूज़ लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किसी ट्रैक को कर चुके हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। रास्ता काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा और ख़तरनाक है, ऊंचा है, ऊंचाई में है। चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, अभी मुझे सिर्फ 10 मिनट हुए हैं चलते चलते, 11 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन कोशिश ये है कि धीरे 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 करके आगे बढ़ता चले जाए हम, ताकि मैं ज़्यादा दिक्कत ना हो। मेरे पास बैग पैक भी है, कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे कम से कम अपना सामान लेके आए, ताकि आपको भारी ना लगे और आपको आसानी हो आगे जाने में। मोइला टॉप आने का सबसे बेस्ट जो टाइम है वो यही है, और कुछ होने के बाद तो यहाँ बर्फ़ पड़ने वाली है, तो आप आना चाहते हो तो तब भी आ सकते हो, लेकिन बर्फ़ में चलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हमारे साथी हैं जो कि थक चुके हैं और आधे रास्ते में बैठ चुके हैं। अभी कितना ऊपर होगा सर? अभी 2 किलोमीटर हो रहा है। 2 किलोमीटर हो गए, ठीक है, हम अभी आते हैं। पानी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ पी रहे, इतना ठंडा हो रखा है। कुछ लोग वापस रुक गए, कुछ लोग आगे पहुंच गए हैं। बस जो आगे पहुंच गए उनको ही हमें कैच करना है और उनके साथ बढ़ना है, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। जंगली जानवर मुझे मार के खा जाए, इससे पहले मुझे उनको पकड़ना है। तो चलते चलते, गर्मी भी बहुत हो गई है, कैप वैप उतार ली है, बस नज़ारा आप देख ही सकते हो मेरे पीछे। ऑसम, सुकून चाहिए तो पहाड़ों में आओ। किलोमीटर आए हैं, 2 किलोमीटर और आगे जाना है, लेकिन जो भी है नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ऊपर चढ़ने में जितनी थकान लग रही है उतना ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है, उतना मूड़ी जान पड़ लू खुट्टा पिड़ा होगी ना, क्या फतेशा मेरे जो मैं खो। फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे। ये बता रहे हैं कि मोइला टॉप पे जो सबसे बेस्ट जो चीज़ें हैं वो एक बुद्ध प्राकृतिक गुफा है, प्राकृतिक पानी का तालाब है, ऐतिहासिक परी मंदिर है, सुरम्य बुग्याल क्षेत्र है, और कनासा रिन चक्राता है। वो आपको दिख रहा है, शायद नहीं दिखाई दे रहा है, मंदिर है बीच में। चुकी हूँ मोइला टॉप में, जो कि दिख रहा है आपको मेरे पीछे, और ये है हमारा खूबसूरत मंदिर मोइला टॉप का। तो सबसे पहले करेंगे हम दर्शन, जिसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन बोर्ड पे लिखा हुआ था कि इसको परी मंदिर कहते हैं, और यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी बनी हुई हैं। माता का झंडा यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ तस्वीरें हैं, शिव जी की ये तस्वीर है जो बनी हुई है त्रिशूल हाथ में लिए हुए, और शायद ये पार्वती माता की तस्वीर होगी। और यहाँ पे मैं अगर अंदर देखती हूँ तो यहाँ पे बंद किया हुआ है, शायद इसका मतलब कि अंदर हम नहीं जा सकते हैं। और अभी यहाँ मंदिर में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, शायद ये मंदिर अभी बन रहा है। तो यहीं पे हम बस छू के आगे निकलते हैं। You make me build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now. 'Cause I don't think I'll make it here now. 'Cause it's you and no. ये पूरा यहाँ इधर भी साइड बुग्याल है, पूरा मंदिर बीच में है बुग्याल के, और चारों तरफ बुग्याल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जय जोर से बोलो। ये देखो हरियाणवी फ्रेंड्स हमारे सारे के सारे हिमालय पर्वत के सामने, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत बहुत बढ़िया, एंजॉय। चलते हैं आगे गुफा और तालाब की तरफ। कहाँ पे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यहाँ से नीचे जाने में। ओ बेटे, वही बहुत फिसलन है यहाँ पे, तो कि वहाँ दूर ये गए हुए हैं, यहाँ पे उनको कुछ मिला है, देखते हैं क्या मिला है। फाइनली हमें गुफा मिल गई, तो अभी एक्सपीरियंस बताते हैं गुफा के अंदर का। और यहाँ पे हमारे दोस्त लोग
अंदर जा चुके हैं, कुछ लोग डर के मारे बाहर पर बैठे डर नहीं रहे हम डर नहीं रहे अभी जाएंगे। चलिए पहले आप चलिए चलिए चलिए, वही बहुत अंधेरा है इसके अंदर बहुत ज्यादा। ओ बाप रे, ये सोचती कहते कि पांडवों के टाइम पे उन्होंने एक गुफा बनाई थी। बिल्कुल लाइट नहीं है, मैं लाइट मोड ऑन कर लेती हूँ। इधर करियो बैटरी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मेरे मुंह से निकल गई। भैया 100 रुपए ले लो, बाहर निकाल दो। ओ भैंस की टांग, ये तो बहुत बड़ा है। आजा 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 आजा। पानी भी है यहाँ पे तो भाई। और क्या हुआ यहाँ पे है, ऊपर से जाना। नहीं फिर सब आगे तो नहीं जाएंगे, बहुत छोटा रास्ता है यार। यहाँ पे क्या है, पानी? ओ भाई साहब, दादा गहरी होती जा रही है गुफा, पता नहीं कितनी गहरी है। तो वापस भी जाना है इसलिए हम यहाँ से ही वापस जा रहे हैं। काफ़ी आगे हम वैसे गुफा में आ गए थे, यहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा है तो डर लग रहा है कहीं हम गिर ना जाए। तो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में चलते हैं वापस। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा ब्लॉग मॉयलो टॉप का। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मेरे एक सब्सक्राइबर है बजाज जी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि जितने भी मेरे कमेंट्स हैं उनको मैं पढ़ूँ और उन पर रिप्लाई करूँ। तो अभी मुझे याद नहीं है कि कमेंट्स क्या क्या मेरी वीडियोज़ पर आए हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ूंगी और उन पर रिप्लाई भी करूंगी। बाकी थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो और आगे भी सपोर्ट करती रहेगा। और मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।